हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है रानी। आज हम बना रहे एमपी का फेमस इंदौरी पोहा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 3 से 4 हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, थोड़ी सौंफ, थोड़े राई के दाने, 1 कटोरी प्याज। मैंने लिया है 1 कप पोहा। सबसे पहले हम पोहे को भिगो देंगे। तो मैंने इन्हें भिगो दिया है, अब मैं इसे ढककर रख दूंगी। मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, उसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी सौंफ के दाने, उसमें डाल दूंगी मैं राई के दाने, साथ ही मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ता। अब मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, साथ ही डाल देंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इन्हें मैं चला लूंगी। अब इसमें डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। इन्हें हम 2 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब मैं डाल दूंगी इसमें भिगोए हुए पोहे, साथ में डाल दूंगी मैं 1 चम्मच शक्कर। इन्हें हम चला लेंगे। 2 मिनट बाद मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ हरा धनिया। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी बूंदी, बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े अनारदाने, बारीक सेव, मैंने इसमें रख दिया है नींबू कटा हुआ, हरा धनिया डालकर हम गार्निश कर देंगे। हमारा पोहा बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।